पत्रकार परिषद एवं नव निर्माण सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित 18 न्यूज चैनल के जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनिल राजभर उपस्थित और राजमंत्री के हर सुबह प्रारंभ किया गया तथा विशिष्ट अतिथि श्री सत्य प्रकाश आशीम अध्यक्ष कवि चौका चौक ज्ञानपुरी में स्वागत किया गया, जहाँ राजेश मिश्रा आदेश पत्रकार परिषद तथा प्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न वाराणसी से बड़े लाल शुक्ला आज बनारस में होटल किंग में उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि है माननीय मंत्री आज अनिल राजभर जी। सोनभद्र के उबरा में पूर्व सैनिक इंचार्ज एस के सिंह आगरा की सुरक्षा के साथ फिर पूर्व सैनिक कैंपस में योग करवाकर जनता को जागरूक किया और मौके पर मौजूद सुपरवाइजर पीएम राम सीयूसी गिरी प्रमोद सिंह अजय यादव आदि जवानों के साथ काफी जनता मौजूद है। ओबरा से दिनेश उपाध्याय की। कब से योग सिखा रहा है? मैं पिछले 1.5 वर्षों से योग सिखा रहा हूँ। किस संस्था से? मैं पतंजलि योगपीठ और सोनाचल सेवा समिति की तत्वाधान से योग का कार्यक्रम यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। अभी आपने भूतपूर्व सैनिकों को अपना जो है योग सिखाया, कितने प्रकार के योग थे, उनके क्या फायदे हैं? मैंने हमारे स्टेप अलग अलग थे, पहले मैंने योगी के लिए कराया, फिर इसके बाद मोटापे के लिए कराया आसन कराया, फिर इसके बाद मैंने प्राणायाम कराया, फिर इसके बाद अंत में ध्यान के बाद मैंने टोटल कितने स्टेप करवाया आपने? हमने 12 योगी जोगी के अभ्यास थे, फिर इसके बाद 16 अभ्यास आसन मैंने कराए थे जो मोटापे के लिए थे, फिर इसके बाद मैंने 8 मुख्यतः जो पतंजलि द्वारा बनाए गए प्राणायाम है उसको प्राणायाम कराया। इस योग से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जैसे देश के जवान के द्वारा सीमा पर लोगों की सुरक्षा की जाती है, वैसे मैं इस योग के माध्यम से यहाँ पे जितने भी लोग स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोग स्वास्थ्य में अपने ज्यादा से ज्यादा दवाइयों में अपना खर्च करते हैं, मैं चाहता हूँ योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से सबल कर सकूं और उनको स्वस्थ और स्वस्थ। मैन को करहल में न्याय ना मिलने की आस खत्म होते देख परेशान पीड़ितों ने लगाई नारे। जी हाँ, ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी की करहल तहसील के अंतर्गत ग्राम खुदुकपुर बुजुर्ग में देखने को मिला, जहाँ आधा दर्जन से अधिक दलित मजदूर महिलाओं किसानों विधवा असहाय आदि ने जन थाना कोतवाली पहुँच कर कृषि भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की। शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि करहल तहसील के दबंग अधिवक्ता रणवीर सिंह यादव ने फर्जी अखिलेश के आधार पर सरकारी अभिलेखों में कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। मीडिया से बात करते नयाब अली। और 42 साल होगी साहब कब्जा कर रहे हो, जाते हैं तो साहब धक्की देते गोली मार जाएगी। अच्छा अब आप क्या चाह रहे हैं थाने में? चाह रहे क्या चाह रहे हैं साहब? हमें कैसी हवाई मिलना चाहिए? मीडिया से बात करते रामवीर। हमारे बापा की नबी वकील है तहसील, हम बाप ने जो खुंडे के नगर है हमारे बाप कर रहे के नाम में बकरी। आपने नाम नहीं की उनकी खेती? मीडिया से बात करते दलित रामदास जाट। रणवीर बशीर के द्वारा जुनेद अहमद मियां के नाम कर दी गई है और मुझे मालूम न मैंने पट्टा किया और न मैंने वसीयत की है और मुझे मालूम नहीं किस तरह से जो है जमीन बेची। मोदी साहब आपको जो हम समझते थे कि आप हमारे हैं, हमारी गरीबों की सुनेंगे, देखा आपने हमारी कोई बारी नहीं सुनी और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी सुनेंगे मिले। आप अचानक करो, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी में छोड़ो और कहा बैठा जो माई बात सुने आप उम्मीद कर दे, लेकिन आपसे कोई उम्मीद। रामदास एंड अदर्स जो कुतुबपुर गांव के लोग हैं, उन्होंने रणवीर सिंह अधिवक्ता हैं अपनी तहसील के, उन पर अपनी भूमि के अवैध कब्जों को लेकर जो है आरोप लगाए थे जो लिखित में उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। मुझ समाधान अधिकारी द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में सीओ चकबंदी महोदय और करहल जो लेखपाल महोदय हैं उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वो इस संबंध में ये चाहता है कि उसकी समस्या का त्वरित निस्तारण कर दिया जाए। इस संबंध में जो भी अभिलेख जांच होगी उसके लिए सीओ चकबंदी और करहल महोदय को बताया गया है, उसके बाद अगले समाधान दिवस में जो भी अभिलेख परीक्षण किए। मीडिया से बात करते आरोपी अधिवक्ता रणवीर सिंह यादव। थाना करहल में जो शिकायतें लोगों ने की वो सारी झूठ है, इनसे संबंधित सारे प्रकरण की सुनवाई DDC न्यायालय में चल रही है,
जो अदालत न्याय करेगी उसको हम मानेंगे। जो शिकायत करता है वो लड़के उनके हैं और इनके पिता लोगों ने हम लोगों से पैसा भी लिया, उसके बाद अदालतों में समझौता दाखिल किए। समझौता के आधार पर सन 81-86 में हमारे पक्ष में और हमारे परिवार वालों के पक्ष में आदेश हुए हैं। मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा के लिए। जौनपुर के जलालपुर के पूरे बाजार के पास बराई में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा राधेश श्याम ने ईश्वर भक्ति पर अपने विचार को व्यक्त किया। जौनपुर से विनय गुप्ता की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मधुके जौनपुर जिले के सिरकोनी ब्लॉक के इसमें सुरहुरपुर गांव में प्रवेश किया हूँ। यहाँ के हमारे अशोक गुप्ता जी बहुत परेशान व्यक्ति हैं लोग बताए जो है, तो चलिए इनसे रूबरू होते हैं और उनके मित्र लोग गांव के और कुछ रिश्तेदार भी बैठे हैं, तो अशोक गुप्ता जी से कुछ बात करते हैं। हाँ गुप्ता जी, आप अपना पूरा परिचय बताएं। यार जी, मैं अशोक कुमार गुप्ता, ग्राम सुरहुरपुर जी, सरकोनी ब्लॉक, जिला जौनपुर। पिता का नाम? साहबलाल गुप्ता। कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। अच्छा, तो आप शरीर से कुछ असक्षम भी हैं लोग बता रहे थे? विकलांग है सर। अच्छा, कमर से विकलांग भी है, पैर से भी विकलांग है। अच्छा, तो आपको अब तक क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट ने दिया है आपके जीवन काल में? खाली पेंशन मिलता है और बाकी कुछ नहीं। आवास मिला नहीं आपको? नहीं मिला। भाइयों से अलग रहते हैं आप ना? जी। अच्छा, तो अभी आपको सरकार का ने आवास नहीं दिया? नहीं। अप्लाई किए थे कभी आप? मैं ब्लॉक पे गया था, करवा के आया था, नहीं मिला। अच्छा, और पीने पानी पीने के लिए कोई हैंडपम्प वगैरह? नहीं, सामने स्कूल है, स्कूल हैंडपम्प है, वो भी बिगड़ा है। हैंडपम्प स्कूल का ही बिगड़ा हुआ है सामने वाला? जी। अच्छा, कब से? कम से कम एक साल हो गया। और शौचालय जो घर घर में गाँव गाँव में बन रहा है उसमें सब शौच मुक्त हो रहा है? गवर्नमेंट का आदेश है कि जो बाहर जाएगा वो उसको पेनाल्टी लगेगी? नहीं, हमारे गांव में एक भी नहीं मिला है, हमको भी नहीं मिला है, हम खेत में जाते हैं। अच्छा, आपको भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। गांव में भी नहीं मिला? गांव में भी नहीं मिला है। शौचालय? नहीं मिला है। देखिए, अभी शौचालय भी इनको नहीं मिला, तो आइए बगल में बैठे भाई साहब, इनसे पूछते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रवि कुमार मौर्या है जी, ग्राम सुरहुरपुर। पिता का नाम? गुलाब चंद मौर्या। तो आपको सरकार की कोई सुविधा? सुविधा कोई नहीं मिली अभी तक। आपको, आप भी गरीबी रेखा में हैं? हाँ, गरीबी। तो आवास नहीं बना आपका? नहीं, आवास नहीं मिला है। और जो शौचालय घर घर बन रहा है वो अभी नहीं बना है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, मेरे गांव, पूरे गांव में किसी का भी नहीं है। यानी पूरे गांव में ही शौचालय नहीं? नहीं, पूरे गांव में सरकारी शौचालय नहीं बना है, सब लोग बाहर निकलते हैं। हाँ, खेत में। देखिए, अभी आप समझ कर रहे हैं कि अभी शौचालय क्या नहीं मिला, सरकार की ड्यूटी कौन सा है। देखिए भाई साहब भी लगता है इनके मेहमान के रूप में आगे बैठ गए हैं कहीं, पता लगा। तो आपका परिचय? मंगल अग्रहरी। अच्छा, मंगल जी, आपका घर कहाँ है? जफराबाद। जफराबाद, तो आप क्या शौचालय बन गया आपका? जी नहीं, गांव बन रही, हमारे घर में नहीं बना है। अच्छा, मैंने इनके गांव में नहीं बना, आपके गांव में बन रहा है लेकिन आपके घर नहीं मिला? पूरे खानदान में नहीं, किसी पूरे खानदान नहीं मिला। कितने भाई हैं? अरे हम लोग 7 भाई हैं। सब अलग अलग है? सब अलग अलग। लेकिन शौचालय आपको नहीं मिला? गाँव में 4 लोग को बना होगा लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। सब लोग बाहर जाते हैं? सब बाहर जाते हैं। और आवास वगैरह? कुछ नहीं। दादी को, माता को, आपके पेंशन, पिताजी को? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पिताजी, माताजी क्या उम्र है? अरे वो 65 साल 68 साल में होगा। और पेंशन नहीं है? पता मैं इतना क्लियर ना पता, पावन के नाम क्लियर ना। ये देखिए, अभी ये जो कि सुरहुरपुर में हमारे अशोक जी गुप्ता और हमारे मौर्या जी, क्या नाम बताया? रवि कुमार मौर्य जी और हमारे मंगल लगधारी जी जफराबाद से इनके घर आए हुए हैं। तो इन लोगों ने बताया कि भी इन लोगों को गरीबी रेखा में हैं लेकिन कोई सुविधा गवर्नमेंट से मिली नहीं, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे हैंडपम्प हो, और यहाँ तक कि शौचालय तो कम से कम इस समय गवर्नमेंट का जो आदेश है होना चाहिए, लेकिन इतना रहें शौचालय भी नहीं मिला तीनों लोगों के यहाँ। तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम शौचालय इनका मिल जाए, जो शौच मुक्ति का अभियान है ये पूरा हो, और इनकी अगर गरीबी रेखा में सत्य पाए जाते हैं तो इनका पेंशन और आवास ही बन जाए तो बड़ी अच्छी है बात होगी, क्योंकि इन लोगों की काफ़ी जो कि दिक्कतें हैं। तो मैं विनय गुप्ता अकेला
फास्ट मीडिया न्यूज की तरफ से सभी का अभिनंदन करते हुए कैमरामैन नीरज गुप्ता के साथ धन्यवाद। राजस्थान में होने वाले विधानसभा की चुनावी रणनीति तय करने के लिए मेवाड़ प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जो पर्वत माटिया स्थित तुलसी गार्डन में किया गया। गोगुंदा विधानसभा के प्रत्याशी श्री प्रताप सिंह कमती एवं कुंभ नगर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के सुपुत्र राज बन्ना 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव हेतु अपने वोटरों से मतदान की अपील करने हेतु सूरत आए। सूरत से सुरेश सिंह गिरी स्वागत। मेरा नाम मैं वर्तमान में गोगुंदा प्रधान हूँ। आज हमारे जो गोगुंदा और कुमलगढ़ के जो सूरत में जो प्रवासी भाई जो हमारे रह रहे हैं लगभग इनकी संख्या 40,000 है और आज ये हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है इनसे बहुत ही प्रभावित है। इसको देखकर आज हमने यहाँ पर एक सभा की है और ये बहुत बड़े ही अधिक से अधिक संख्या में हमने आग्रह भी किया है कि आप आवे और 7 तारीख को मतदान करें और पूरा हमारे दोनों प्रत्याशी जो प्रताप लाल जी और सुरेंद्र सिंह जी हैं जाकर हमें वापस राजस्थान के विधानसभा में भेजना है। हमें जब 5 साल पूर्व में सूरत आए थे जो जो भी मांगे थे वो लगभग मांगे हमने पूरी की है और आज आने वाले समय में भी हम विकास के रूप में हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम हो और हमारे सभी जो प्रवासी यहाँ पर रह रहे हैं इनको सभी मजबूरी सुविधाएं जो गाँव में मिले चाहिए मिले। आज यहाँ पर हमने एक निश्चय भी बनाई की हिसाब से आएंगे स्वयं के खर्चे से अलग अलग योजना राजस्थान सरकार की जो है कुम्भलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आज राजस्थान के प्रवासी भाइयों ने हमारे एक भव्य जनसंख्या को राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिनिधि जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें से हमारे गोविंदा विधानसभा के चावल देने आए कि आप सब को यहाँ से होकर 7 तारीख वोटिंग का समय होता है जो कमल का फूल भारतीय प्रत्याशियों खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।